वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो क्योंकि दिवाली आ रही है और 2-3 दिन में ही दिवाली है और मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। पहले मैंने सोचा था मैं पार्लर जाके कोई फेशियल करा लूँ ताकि मेरा फेस बिल्कुल जल्दी से ग्लो अप हो जाए, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि यार फालतू पार्लर में जाके कौन पैसे वेस्ट करेगा, क्योंकि एक एक फेशियल 1800, 2000, 1500 की रेंज के थे और मुझे ऑनेस्टली फेशियल्स बहुत ज़्यादा ही पैसे वेस्ट लगते हैं। मुझे लगता है कि मैं घर पे ही फेशियल कर लूँ, तो मैंने इसीलिए एक ग्लो पैक किट ऑर्डर की है नायका से। और ये ग्लो अप किट है फ्रॉम प्लम, सो दिस इज प्लम द ग्लो पैक पावर्ड बाय ग्रीन टी। और इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं ग्रीन टी और ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो मेजर इंग्रेडिएंट्स है। तो आइए देखते हैं कि ये जो पैक मैंने ऑर्डर किया है नायका से, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको, आप भी वहां से चेकआउट करके ऑर्डर कर सकते हैं चाहे तो। इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और इसको ट्राई करके देखते हैं कि मेरे फेस पे सही में ये असर कर भी रही है या नहीं, क्योंकि कोई भी फेशियल एटलीस्ट 3 डेज तो लेता ही है असर करने में। तो मुझे एग्जैक्ट दिवाली के दिन फेशियल नहीं लगाना था, इसलिए मैंने 3-4 दिन पहले ही सोचा कि मैं ऑर्डर करके इसको ट्राई कर लेती हूँ। इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहला तो मुझे दिख रहा है ये विच इज ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट। सेकेंड चीज जो इस ग्लो पैक के अंदर आई है वो है पोर क्लिंजिंग फेस वॉश, तो इसको भी हम यूज करके देखेंगे। एक और चीज जो आई है इसमें वो है रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल। तो कल सुबह आपको फाइनल इफेक्ट दिखेगा मेरे इस पूरे ग्लो पैक का, क्योंकि इसमें नाइट जेल भी है और किसी भी फेस पैक को लगाने के बाद अगर आप रात भर एक अच्छा नाइट जेल लगा के सोते हैं तो सुबह बहुत अच्छा ग्लो आ सकता है आपके फेस में। सो दिस इज ग्रीन टी नाइट जेल। तो आप देख सकते हैं ये नाइट जेल कुछ इस तरीके का आया है, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिफ्रेशिंग ग्रीन कलर में आया है विच इज़ रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा मुझे लग रहा है। यू कैन सी दिस जेल एंड द fragrance is so amazing guys, it's like मैं night का wait नहीं कर पा रही, मुझे लग रहा है मैं अभी इसको apply कर लूँ। जो last चीज़ आई है इस glow pack में वो है सबसे ज़्यादा main चीज़ जो कि मेरे face को glow करने में help करेगी, और वो है green tea clear face mask। So ये face mask भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा सा आया है। So this is for all skin types, ये सारे products is for all the skin type, combination oily और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है ये वाला पूरा ग्लो पैक। और ये देखिए कितना सही सा ये आया है, क्लियर फेस मास्क ग्रीन टी मेजर प्रोडक्ट है जो कि मेरे को मेरे दिवाली के लिए रेडी करेगा। तो एक एक करके हमारे ग्लो पैक के चीज़ों को यूज करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको दिख जाएगा मेरे फेस पे असर कि ये अभी कैसा लग रहा है और इस ग्लो पैक को लगाने के बाद कैसा लगेगा। वैसे तो मेन असर 3 डेज के बाद ही दिखता है, लेकिन मुझे लगता है नाइट जेल लगाने के बाद कल सुबह तक काफ़ी मुझे फर्क समझ आ जाएगा। तो मैं इसको जाके यूज करके आती हूँ फटाफट से। पोर क्लेंजिंग फेस वॉश जो था, और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर ना मैं इस तरीके के छोटे छोटे ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं जो कि इतने जो कि बिल्कुल जेंटली आपके फेस को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, और इसकी खुशबू भी बहुत रिफ्रेशिंग है। एक्चुअली ग्रीन टी वाले जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी खुशबू अच्छी होती है, लेकिन ये प्लम का मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है और ये बहुत जेंटली भी ये जो फेस वॉश है आपकी स्किन में अप्लाई होता है। और ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के बीड्स ना आपके पोर्स को क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, दैट्स व्हाई आई जस्ट लव्ड इट। ओके, तो अब फेस वॉश हो चुका है, इस स्टेप के बाद आप इस फेस मिस्ट को यूज कर सकते हैं। मैं भी यूज करके देखती हूँ जरा कैसा मुझे लगता है। दिस इज ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट।
उसके बाद आपको इस तरीके से टैप कर लेना है आपके फेस को, ताकि ये फेस मिस्ट जो है थोड़ा थोड़ा हल्के से आपके फेस में अब्सॉर्ब हो जाए, आपकी फेस की स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। लेट इट ड्राई। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दिस ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क। अभी ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क आपको अप्लाई करना है, और इसके अंदर अप्लाई करने के लिए इन्होंने एक छोटा सा टूल भी प्रोवाइड किया है, विच इज दिस। एंड नाउ इसके हेल्प से आफ्टर माय स्किन गेट्स ड्राई मैं इसको अप्लाई करती हूँ। बाय द वे ये बैग भी फ्री आया था इस ग्लो पैक में, जिसकी क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी ही लग रही है। काफी स्पेस है इसमें, तो मेरी कुछ कुछ चीजें इसमें आ सकती है। So this green tea face mask, nice. The smell is also quite nice. उतनी ज़्यादा refreshing नहीं है इस face mask की खुशबू comparison to the face mist and face wash. ये जैसे पार्लर में आप जब जाते हो ना फेशियल कराने, तो कैसे प्यारी सी खुशबू आती है आपके फेस से पूरे फेशियल की, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस ग्लो पैक की। खुशबू बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है सारे प्रोडक्ट्स की, इवन इसकी भी। जब मैंने स्टार्टिंग में स्मेल की थी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जब मैं अब इसको फेस में अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे इसकी खुशबू बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। और वो फेस वॉश के जो छोटे छोटे ग्रीन पार्टिकल्स थे ना, वो स्क्रबिंग में भी एक तरीके से हेल्प किए मेरे फेस की, जिस वजह से अभी मैं जब फेस पैक लगा रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है लिटरली कि मेरे पोर्स के अंदर ये अब्सॉर्ब हो रहा है फेस पैक। अब इसको 20 मिनट्स तक मैं सूखने देती हूँ, और आफ्टर 20 मिनट्स मैं इसको वॉश कर लूँगी, और उसके बाद देखते हैं कि कैसा लग रहा है। इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है मुझे मेरा फेस। आई लव्ड दिस फेस मास्क। लेकिन इसके एक्चुअल इफेक्ट या किसी भी फेस मास्क के एक्चुअल इफेक्ट तो एक दो दिन बाद या नेक्स्ट डे ही ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। अब मैं आपको मिलती हूँ रात को। रात को मैं वो नाइट जेल लगा के देखूंगी कि कैसा लगता है मुझे, और सुबह फाइनली पता चलेगा कि मेरे फेस पे ग्लो आया है कि नहीं। गुड मॉर्निंग। और मैं ये सुबह का टाइम है और उठ चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग और ग्लोई सा लग रहा है, और कल ये नहीं लग रहा था। और आज जब इसे मैं सुबह से उठी हूँ, तब से मैं बहुत ज्यादा मिरर देख रही हूँ बार बार, और मुझे अपना फेस काफी अच्छा लग रहा है। एंड ऑल दिस इज आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ग्लो पैक विच आई यूज्ड यस्टरडे। और आई थिंक फेशियल का असर जो है वो 2-3 दिन में और अच्छे से होता है, तो मेरे ख्याल से दिवाली के पहले पहले तक और ज्यादा अच्छी हो जाएगी मेरी स्किन, और दिवाली मेकअप के लिए भी रेडी हो जाएगी। आप भी अगर अपनी दिवाली में कोई ग्लो पैक ढूंढ रहे हैं, आपको फेशियल कराने का मन नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस प्लम के पैक को खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है गाइस, तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और किसी प्रोडक्ट के साथ या एक और किसी रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।